किसका वीडियो? धीरु वंचिक। धीरु धीरु रिश्ते में तो हम तुम्हारी बहन लगते हैं। नाम है शिल्पी। हाय दोस्तों, मेरा नाम है कुशल। मैं शिल्पी। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं धीरु वंचिक की वीडियो के ऊपर, ट्रैफिक रूल्स की कहानी। तो मुझसे पूछा जा रहा था कि धीरु की वीडियोस पे इतना क्यों रिएक्ट करते हो, काहे रिएक्ट करते हो इतना? तो लोग बताएंगे क्यों करते हैं नीचे। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ट्रैफिक रूल्स की कहानी, इंडियंस ऑन रोड। 3 2 1 भैया पहले हेलमेट ना होने पे 100 रुपए का चलान कटता था, अब तो सीधे 1000 रुपए। अभी कल बाजार से मम्मी ने सामान लेने भेजा था, मैं चला गया भैया, आगे थोड़ी आगे जाकर ठुल्ले ने पकड़ लिया सारा। फिर सामान वाले पैसों से चलान कटवाना भैया। काली खा रहा हूँ कल से घर पे। ऐसी गंदी औलाद भगवान किसी को ना दे, किसी को भी। 1000 रुपए का चलान कटवा के आए उल्लू का पट्टा बताओ। जी 23,000 रुपए का सर, जिस 23,000 रुपए का चलाना है और स्कूटी की वैल्यू 15,000 रुपए। इसका तो चार घंटे के साथ था चूतिया भी। 23,000 में 5,000 डाल के बजाज प्लेटिया खरीद लेता, तेरी स्कूटी से तेज भागती, ज्यादा एवरेज देती और बढ़िया की बढ़िया रहती। अबे और तो और तू अपनी प्लेटिया से पैसे कमा सकता था, दो दूध की कैने लेता, एक इधर डालता और सीधे दूध बेचता एकदम मस्त। और भाई लोग तो उससे दूध भी बढ़िया खरीदते, पता है तेरी शक्ल ही दूध वाली। तू शक्ल से दूध ताकि जिन लोगों के पास चालान की रकम भरने के पैसे ना हो उनकी वही पर टिप्पणी निकाली जाए। मारने, दूध लेने, धनिया लेने, पुदीना लेने, सब सब हर जगह साइकिल से जाऊंगा। बाइक को तो साइकिल चलाऊंगा, कब तू भी नहीं चलानी मुझे बाइक। बाइक का खिड़की निकाल ले तैयार है यार ये तो। अरे नहीं यार ये फेक न्यूज है, ऐसे थोड़ी करेंगे यार मोदी जी हमारे। ऐसे हो भी सकता है यार, जब इतना फाइन बढ़ा दे तो किडनी भी निकाल के रख सकते हैं। नहीं किडनी 5 लाख की होती है। एक किडनी पहली भेज देता हूँ तो साला निकालेंगे नहीं। एक तो जीत जीता आदमी एक भी जी सकता है, दोनों के बिना नहीं जी सकता। नो नो नो, पहली भेज देता हूँ एक। जिनके पास एक किडनी है ना उनके कोटियां निकाल के भेज। लेकिन फायदा ये है कि जिन लोग ने आज तक हेलमेट नहीं पहना ना कभी, वो भी हेलमेट पहन के निकल रहा है सड़कों पे, वो भी उल्टा। इन दोनों को देख के अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी झाड़ी में बैठ के अभी अभी काजा फूक क्या है, पुलिस वाले को नहीं पता हेलमेट किधर से पहन लिया सीधा है। ये पीछे वाले थोड़ा सा ज्यादा फूक होगा इसलिए अभी अभी तो होश नहीं है। भाई हेलमेट ना पहनने में चलान कटने का जो खौफ है ना, वो बाइक और स्कूटी वालों में तो है लेकिन साइकिल वालों में भी पूरा पूरा है। ओह
साइकिल पे भी हेलमेट। चचा और एकदम असली राइडर। चचा भी लाइक कौन सा है रे, आ जाओ। तुम तो चालान काटने की बात कर रहे हो, तुम मेरी छाट नहीं फाड़ सकते बेटे। मतलब फुल सेफ्टी फुल स्वैग एकदम। चचा पूरी मस्ती में, आग लगे चाहे मस्ती में। और भाई तुम्हें पता है गवर्नमेंट ने ये ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पे इतना फाइन क्यों बढ़ाया है? वो नहीं होते छोटी छोटी सी गांड वाले लौंडे, एकदम पतली पतली इनकी टांगे होती है पेंसिल जैसी, मतलब एक हवा का झोंका तेज आ जाए तो उड़ के चले जाए। वो लौंडे भी ना आजकल केटीएम और बुलेट लेके घूम रहे हैं, सालों से संभलती है नहीं। लेकिन स्वैग में उनके कोई कमी नहीं होती। जैसे यहाँ जाम लगा हुआ है, एकदम सांप बन के निकाल देंगे वो तो सीधे, इनके चक्कर में दूसरे परेशान हो जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उनसे परेशान होकर गवर्नमेंट ने फाइन बढ़ाया है। तो जहाँ भी इसमें छोटी गांड और पतली टांग वाले लौंडे बुलेट चलाते हुए दिखे ना, वही उनकी गांड तोड़ दो, चाबी की गांड में घुस दो। मैं तो कह रहा हूँ सीधे पट 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 करते अपने सीधे घर पहुंच जाएंगे। कुछ लौंडे तो इतने हरामी होते हैं ना कि फुल्ला उनके आगे के खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी एकदम से बाइक स्टार्ट करके चकमा देकर फुल्ले के आगे से निकल जाते हैं सांप बन के। पता नहीं है जब ऐसा कांड करते हुए पकड़े जाते हैं ना तो बड़ी कांड टूटती है भाई, बहुत ही मारते हैं कसम से, बहुत ही। ये ठुल्ले अच्छी है, तुझे कैसे पता है? ऐसे भागे तो ठुल्ले खूब ही मारे पकड़ के। खाइए खाइए खाइए। देखा था एक बार की मैंने, मैं थोड़ी पिटा हूँ, नहीं आंखें बोल रही है। इस इंसान का अगर बस चले ना तो अपने पूरे गांव को बैठा के अपनी बाइक पे निकल लेगा सीधे। अगर बाइक थोड़ी है, ऑटो रिक्शा पर आ रहा कुत्ता भी है पीछे। बाय बाय बाय, निकल पहली फुर्सत पे निकल, इससे पहले तू खुल्ला पकड़ ले साले। तुझसे गाड़ी के पेपर नहीं मांगेगा वो, सीधे तेरी जायदाद के पेपर मांगेगा। और वो ये नहीं कहेगा कि भाई हेलमेट पहन ले, ये कहेगा भाई तू हेलमेट पहनना पहन, लेकिन कॉन्डम जरूर पहन ले। बिटचोद ने एक दो चार चार तो कर लिया, अभी पता नहीं और कितने करेगा। कुत्ता है, कुत्ते का बच्चा है, बकरी का बच्चा भी है। जिस तरह से कुत्ता लेके जा रहा है, इससे पता लगता है कि ये लौंडा कितना काइंड हार्टेड है। काइंड हार्टेड है तभी तो मैं इसे चार चार बालक लेके घूम रहा है। मतलब भाई का जो दिल है ना वो बहुत बड़ा है, दिल के साथ साथ इसके शौक भी बहुत बड़े है। चलो चलो ठीक है, वीडियो करिए खत्म करते हैं। कुछ बात हो रही थी ट्रैफिक रूल्स के बारे में, इंडियंस ऑन रोड्स। ट्रैफिक रूल्स में जो नया इजाफा हुआ है फाइंस में, उससे लोगों में काफ़ी डिस्कशंस हैं, और इस वक्त का ये हॉट डिस्कस्ड एंड डिबेटेड टॉपिक रहा है। और दो तरफ से ओपिनियंस आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा है कि फ़ाइन बढ़ गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्यों बढ़ाया इतना ज़्यादा फ़ाइन, लाइक इट्स 10 times यू हैव डबल्ड। 100 था, 100 से सीधा 1000, आपने तो 10 times बढ़ा दिया है। अच्छा इसलिए है कि जैसे वीडियो में बताया कि बहुत सारे जो लोग होते हैं जो वर्थ नहीं करते हैं गाड़ी चलाना, या मतलब ना लाइसेंस होता है ना कुछ होता है, कैसे भी चलाते हैं, एक्सीडेंट्स जो बढ़ाते हैं रेशियो। लेकिन जिन लोगों के पास लाइसेंस है और सब कुछ है, स्टिल वो जो ड्राइविंग है ना उनकी रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होती है। कहीं पे भी मुड़ जाना, स्पेशली जैसे मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे स्पेशली जो रिक्शा वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा रिक्शा वाले हैं, और उनकी जो ड्राइविंग है मतलब वो इतनी, वो जो सांप वाली बोल रहे थे ना धीरू भाई, वो रिक्शा वाले वैसे करते यहाँ पे करते हैं। और अब उनको कुछ बोल भी नहीं सकते, बोलो तो उल्टा सुनोगे। तो हाँ, ये एक अच्छा मूव है कि चालान बढ़ाने से चीज़ें सुधरेगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं और सुधारने, जैसे कि रोड हो गए, रोडों के जो गड्ढे होते हैं उस गड्ढों को क्रॉस करने के लिए भी टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ता है, और उस चीज़ों से भी एक्सीडेंट होते हैं। दूसरी चीज़, जिनके पास लाइसेंस है स्टिल दे रूल्स जो होते हैं ना वो फॉलो नहीं करते हैं, बस गाड़ी चलानी आ गई चलो। रूल्स होते हैं कुछ ट्रैफिक के, लाइसेंस होना, ये सब चीज़ तो एक सेफ्टी की चीज़ हो गई। बाकी जो एक जब हम लाइसेंस बनाते हैं तो हमारे को एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें काफ़ी रूल्स होते हैं। तो ये जो होते हैं, जैसे हम स्कूल में एग्ज़ाम्स देते हैं, ये ड्राइविंग के भी एग्ज़ाम्स वापस लिए जाने चाहिए। मतलब लोगों को ट्रैफिक रोक के अगर आप ये उनसे सवाल किए जाएँ और वो रूल्स ना बता पाएँ तो भी चालान काट सकते हैं, ये एक अच्छा तरीका है। नहीं पता, मेरा ये कहना है कि ट्रैफिक रूल्स जो बढ़ाए हैं ना, वो रीज़न ये है उसको बढ़ाने का
कि रोड्स पे जो डेथ हो रही हैं, डेथ्स हो रही हैं और एक्सीडेंट्स और उसकी वजह से जो डेथ हो रही हैं लोगों की, उसका रेशियो जो है वो इतना बढ़ गया है कि कोई नेचुरल कैलामिटी हो या कोई अटैक हो तो उसमें भी इतने लोग नहीं मरते जितना है वहीं लोग एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं रोडों पे। वो संख्या बढ़ने की वजह से ट्रैफिक रूल्स को स्ट्रिक्टर किया जा रहा है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मिडिल क्लास, मान लो कहीं किसी छोटी मोटी भूल की वजह से कोई छोटा सा नियम अगर भंग हो जाए और उसमें अगर किसी मिडिल क्लास आदमी को फाइन लग जाए 1000 या जितना ये बता रहे हैं 23000 25000, तो वो नहीं भर पाएगा इतना 25000। इतना तो लोगों का यहाँ पर सैलरी होता है, वो कहाँ इतना एक महीने का सैलरी होता है वो उतना चालान भर नहीं पाएगा। तो रूल्स कुछ इस तरीके से हैं कि जैसे आपका जो चालान पूरा कटता है तो वो आपको पूरे नहीं भरने होते। मान लीजिए आपके पास PUC नहीं है तो आपको 15 डेज का टाइम मिलता है, वो आप अगर कोर्ट में सबमिट करते हैं तो सिर्फ आपको 100 रुपये जो नेचुरल चार्ज होते हैं वो पे करना होता है, तो पूरा चार्ज नहीं होता है। अगर आप उस चीज़ को कवर, सरकार ये नहीं चाहती है कि आपसे पैसा लिया जाए, वो चाहती है कि आप ये सब चीज़ें इंश्योर करें पूरा। अब मुझे लगता है कि अगर ट्रैफिक नियमों में सुधार ही लाना है तो रादर देन फाइनिंग समय, उसके दो तरीके होते हैं, एक तो ये तरीका जो फाइन्स बढ़ा के कर रहे हैं, ये फियर लोगों में, ये फियर क्रिएट करके लोग अंडर दैट फियर वो करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप लाइसेंस का जो देने का तरीका है, जैसे कुशल बोला था एग्ज़ाम्स वगैरह, उन्हें स्ट्रिक्ट कर दीजिए तो अपने आप जो रोड पे लोग आएंगे लाइसेंस गाड़ी लेके, अपना लाइसेंस लेके गाड़ी लेके, वो उस स्ट्रिक्टनेस के अंदर होके आएंगे तो वो ऑलरेडी इतने डिसिप्लिन में चलाएंगे गाड़ी। रूल्स शुड बी वेरी मच क्लियर, वो आगे प्रिकॉशनरी स्टेप होना चाहिए रैदर देन फाइनिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स। मैंने यहाँ पे देखा है कि जब मेरा भी जब 2-व्हीलर का लाइसेंस था मेरे पास, जब मेरे को 4-व्हीलर का लाइसेंस चाहिए था तो हमारे पास 4-व्हीलर थी नहीं, तो मेरे पास प्रैक्टिस नहीं थी। मैंने एक मोटर ड्राइविंग स्कूल से एक बार मैंने सीखी, 15 दिन गाड़ी चलाई, फिर मैंने जब टेस्ट दिया तो मैं फेल हो गया था स्टार्टिंग में। तो फिर आप भी फेल हुआ था। तो फिर जब हमने खुद की एक गाड़ी ली और जब मैंने प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद मैंने एक एग्ज़ाम दी तो मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर किया था, मतलब जितने मेरे स्कोर थे काफ़ी अच्छा था, वो फुल था शायद। कि पहले ड्राइविंग जिनको नहीं भी आती थी बाजू लाइसेंस ले मिल जाता था, और काफ़ी लाइसेंस हैं जो बने हुए हैं वो उनको आती नहीं होगी, गाड़ी जिनके पास होती नहीं है फिर भी उनके पास 4-व्हीलर का लाइसेंस होता है। तो प्रैक्टिस जो है 4-व्हीलर की काफ़ी लगती है, तभी आप गाड़ी परफेक्टली चला। ना कि जो लाइसेंस देने के रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट हो जाने चाहिए ताकि लोग बिना लाइसेंस के, और फिर अगर लाइसेंस ना हो तो उसको पकड़ा जाए। तो हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं इसमें ट्रैफिक रूल्स को लेके, आप भी अपने जो ट्रैफिक नियमों को लेके जो आपके सुझाव, वेल हमने ये बताया, पर हम ओपिनियंस हैं जो चालान बढ़े हैं उससे थोड़ी इनकन्वीनियंस तो ज़रूर हुई है बहुत सारे लोगों को, हमें भी हुई थी। जैसे PUC के लिए काफ़ी लंबी लाइंस थी, तो वो तो चलो सरकार ने पहले हटा दिया, लेकिन जब हमने बनाने गए थे तो काफ़ी टाइम, दो तीन घंटे लग गए थे सिर्फ PUC बनाने में, अलग अलग एक एक पर्सन को जितनी गाड़ियाँ जिसके पास है। लगता है वो आने वाले एक साल में दिखाई देगा। एंड आई एम अगेन, वेल ठीक है, अगर चालान ज़्यादा कटा भी जा रहा है, पे भी किया जा रहा है, पर वो सारा पैसा ना इसी चीज़ में यूज़ होना चाहिए ट्रैफिक और इन चीज़ों में, क्योंकि अगर ट्रैफिक पुलिस की अभी हम बात करेंगे, अगर ट्रैफिक पुलिस की, एक बार मैंने एक ट्रैफिक पुलिस से कन्वर्सेशन की थी, तो उनकी जो सैलरी होती है काफ़ी कम होती है, तो रिश्वत लेने का सभी पुलिस नहीं लेते, कुछ मुझे मिले थे जो नहीं लेते थे, पर जो लेते हैं उनकी भी मजबूरी होती होगी, फैमिली होती है ये, तो अगर उनकी सैलरी अच्छी होगी तो वो ईमानदारी से काम करेंगे, वो ईमानदारी से काम करेंगे। उन ट्रैफिक पुलिस वालों को देखती हूँ, धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, वो खड़े होते हैं, और स्पेशली धूप में भी वो बेचारे, और इतना ट्रैफिक में लाइक चार रास्ते पे बहुत पोल्यूशन होता है, साउंड बेचारे, साउंड बांध के खड़े एक होते तो हैं। उनको साउंड की होती है, काफ़ी हॉर्न्स होते हैं,
डस्ट होती है, पॉल्यूशन होती है, होता है और प्लस उनको खड़ा रहना पड़ता है। उनकी जो जॉब है काफ़ी एक हार्ड जॉब है और उनकी सैलरी आप नेट पे सर्च कर सकते हो कि कितनी, बहुत कम सैलरी होती है। तो उनकी सैलरी अच्छी होगी तो वो अच्छे से ईमानदारी से अपना काम करेंगे और वो फिर सारा पैसा थोड़ा इतना तो उनका सैलरी होना चाहिए कि उनका घर बहुत आराम से चल सके, और उनके या तो फिर उनके वर्किंग आवर्स जो है वो रिड्यूस कर देना चाहिए जिससे वो आराम कर सकें या पार्ट टाइम कुछ और कर सकें, क्योंकि उनका जॉब बहुत हेक्टिक होता है, खड़े खड़े इतना ट्रैफिक को कंट्रोल करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रैफिक, द न्यू ट्रैफिक रूल्स जो अभी लागू हुआ है और थोड़ा कहीं कहीं रुका हुआ है पर हो जाएगा, आने वाला है। हमें ज़रूर शेयर करके बताइए कि आपके इस न्यू ट्रैफिक रूल्स के बारे में आपके क्या ओपिनियन हैं। डेफिनेटली हर किसी के पास कुछ ना कुछ बोलने के लिए ज़रूर है, तो प्लीज़ अपने आप को रोक के नहीं, कमेंट सेक्शन, कमेंट सारे पढ़े जाते हैं, रिप्लाई शायद नहीं आए पर कमेंट सारे पढ़े जाते हैं और काफ़ी खुशी मिलती है आपके पॉजिटिव से, नेगेटिव से भी थोड़ा अच्छा लगता है, कोई कोई नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। नहीं, नेगेटिव कमेंट्स असर्टिव हैं तो ठीक है, बाकी अगर पैसिव हैं, नेगेटिव टोटली अगर नेगेटिव है तो वो लोगों का प्रॉब्लम है, इट्स द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, क्योंकि वो बहुत कम होती है रेशियो में, बहुत कम होती है। बाकी सजेशंस वेल जो हमारे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, हमारे साथ रहते हैं तो काफ़ी कम, सजेशंस आर ऑलवेज इन माइंड, तो खराब जो खराब कमेंट्स है काफ़ी कम है क्योंकि हमारे साथ रह रहे हैं। सब अच्छे हो गए ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, कर करके सबको सुधार रही है। मैं तो क्या सुधारा है, सब सुधरे हुए ही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।